एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज आपके साथ एक DIY क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन और उसका कवर भी मैं बनाना शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं DIY क्वेश्चन और क्वेश्चन कवर बनाना। देखिए, दरी बिछा ली मैंने नीचे, क्योंकि ये काम ना नीचे बैठ कर ही होगा। और इस तरीके से ये पिल्लो कवर, जो पिल्लो था ना छोटा सा, उसको अच्छे से मैंने, जो इसमें फाइबर भरी हुई है, कॉटन नहीं है, फाइबर वाली जो रोई होती है ना वो है, रेडीमेड जो तकियों में होती है, इस तरीके से रेक्टेंगल पूरा कर लिया। और टाइट करके अच्छे से इसको यहाँ से पूरा सिल लेती हूँ एकदम। एक पिल्लो कवर जो है बन जाएगा, पिल्लो बन जाएगा सॉरी मेरा। और ये दोस्तों जो दरी है ना, मेरी शादी की है, इसको भी 20 साल होने वाले हैं। थोड़ी मैली तो हो गई, 2 हैं दरियाँ इसकी मेरे पास, पर मजबूत बहुत निकली है। इस तरीके से नीचे बिछाने के काम ही आती है हमारे वहाँ पे। अब तो वो नहीं मिलती, मतलब ऑर्डर पे ही बनती है। अब मम्मी को कहूँगी एक और बनवा के देंगे। मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसी चीज़ें, कारपेट वगैरह और दरियाँ, और वो भी हाथ से बनी हुई है ये बिल्कुल। तो चलिए मैं आपको ना अभी पहले इसको पूरा यहाँ से मोटे मोटा हाथ से इसको सिल लेती हूँ अपने धागे की मदद से। इस तरीके से देखिए अच्छे से, साथ साथ में रोई को भी ले लूँगी बीच की, कि वो भी हिले ना फिर। तरीके से सिल दे करना, ये छोटा सा एक रिक्टेंगल कुशन बन जाएगा। और मार्केट से मैंने पूछे रिक्टेंगल कुशन, पहली बात तो मिल ही नहीं रहे, मिल रहे हैं तो एक कुशन ही जो है वो 500 रुपीज़ का मिल रहा था। तो मेरा मन तो बहुत दिनों से कर रहा था, है भी है मेरे पास, आपने देखे भी थे ना दिवाली पे, मैंने एक लिया भी हुआ है, तो वो भी बहुत महंगा लेकर आई थी वो, तो उसको तो हो गए 2-3 साल, वो दिवाली पर ही निकालती हूँ मैं। तो वैसे भी रोज़ के उसमें भी ना मेरे को अच्छा लगता है सोफे पर जो कुशन कवर है चेंज कर करके रखूँ। सर्कल वाले भी बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी, गोल वाले कुशन होते हैं वो भी बहुत मन कर रहा है, और मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो इस तरीके से हम घर पर भी बना सकते हैं। देखिए और बाहर जो है डॉगी बहुत भौंक रहे हैं, रात को भी बहुत भौंकते हैं यहाँ पे, इनको देख देख कर हमारा शहरी भी भौंकना शुरू हो जाता है। और देखिए ये अच्छे से ना मैं इसको पक्का करके सिल लूँगी, ताकि ये खुले ना फिर मोटे मोटे। इस तरीके से इसमें मैं तुरपाई टाइप कर लूँगी, और इसके कवर जो है अलग अलग मैं और बना लूँगी। देखो कुशन तो हो गया ना मेरे पास, कवर तो मैं आराम से घर पर कई डिज़ाइनों में और वैसे बना लूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी जब भी बनाऊँगी ना। तो चलिए अभी सिल कर आपको पूरा दिखाती हूँ मैं। देखिए मैंने इसको सिल लिया अच्छे तरीके से, और एक ये रेक्टेंगल कुशन जो है बनकर आ गया हमारे सामने। आप भी ऐसे बना सकते हैं घर पर। अब देखिए अभी ये जो क्रोशिया, ये तो कुशन बन गया ना हमारा। और ये देखिए मैंने एक क्रोशिए से इस तरीके से बनाया हुआ था, मैं सोच रही थी एक रनर टाइप बनाऊंगी, तो वो बीच में ही रुक गया, 2-3 साल पहले का बना हुआ है। अब मैं क्या करूंगी, देखिए इस तरीके से कुशन रख कर और इसको ऐसे कर दूँगी, और ये देखिए इसको खिंच जाता है ना क्रोशिया, तो आपको पता है बिल्कुल। इसको अच्छे से दोनों तरफ से, तीनों तरफ से सॉरी, एक तरफ से मुँह खुला रखूँगी कुशन डालने के लिए, और दो तरफ से मैं इनको सिल दूँगी अच्छे से। इस तरफ से सिलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने जॉइंट आ गया। और ये देखिए इस तरीके से ये कुशन कवर बन जाएगा, बहुत अच्छा क्रोशिए का। और इसके ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ करके दिखाती हूँ, ऐसे सिंपल तो अच्छा नहीं लग रहा। अच्छे से सिल के ना इसको तब दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए इस तरीके का ये रेक्टेंगल में कुशन बन जाएगा, और इसके ऊपर देखती हूँ भी आइडिया लगाती हूँ कि क्या करूँ। देखिए इसको सिलने के लिए जो मैं क्रोशिए का कुछ कवर को बनाऊँगी ना, तो इस तरीके का ही धागा है मेरे पास, थोड़ा सा भी पता नहीं पूरा होता है कि नहीं, उससे ना इसको मैं कच्चा करती चली जाऊँगी, कच्चा क्रोशिया करूँगी, कच्चे चावल, तो ये जुड़ता चला जाएगा। दो तरफ से ही सिलना हमने, हो सकता है धागा पूरा हो जाए, ये वाला छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। नहीं तो मैं इसमें से ना ये वाला देखिए इसको थोड़ा सा उधेड़ लूँगी, 2-3 लाइनें इसकी, तो मेरा काम हो जाएगा। और ये भी ऐसे ही पड़ा, मैं यूज़ तो नहीं कर रही, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और तो कुछ नहीं। डिज़ाइन बड़ा प्यारा बना हुआ है इसके ऊपर भी। ये जब मैं फ्री बैठती हूँ ना तो मैं यही काम करती हूँ, जब तब तो खैर यूट्यूब का काम करते करते आपको पता है समय नहीं मिलता, यूट्यूब से हम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, घर का काम किया और हम फ़ोन में लग जाते हैं। तो ये पहले के हैं, जब मैं इस तरीके से घर पर फ्री रहती थी तो मैं इन्हीं कामों में लगी रहती थी। देखिए तो चलिए अभी मैं आपको ना इनको इस तरीके से
कच्चे चावल से जोड़ कर दिखाती हूँ। कच्चे चावल ही करने हैं, जिनको क्रोशिया आता है उनको तो पता होगा। तो मैं आपको पूरा इसको दो तरफ से बिल्कुल ज्वाइंट करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये दोनों तरफ से सिल लिया है। ये देखिए इस तरीके से फैल भी रहा है ये, और उल्टा सिला था ना मैंने, सीधा कर लिया इसको। मैं आपको इसके ऊपर कुशन कवर के ऊपर इसको इसके ऊपर कुशन पे चढ़ा के दिखाती हूँ इसको। और अभी ये ना सिंपल लग रहा है, इसके ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ मैं इसको डेकोरेट करके दिखाऊंगी। मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है कि मैं या तो इसके ऊपर कौड़ियाँ होती हैं ना जो, जिसकी हम पूजा भी करते हैं दिवाली पर, वो लगा दूं, या फिर मिरर वर्क करूं। तो भी देखती हूं, जो भी करूंगी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी फ़िलहाल हम इसमें ये वाला कुशन जो इस तरीके से आपको दिखाती हूं कि सिंपल भी बहुत प्यारा लगेगा। और आप इस तरीके से बच्चों के स्वेटर होते हैं ना फैंसी, और छोटे हो जाते हैं या पुराने भी हो जाते हैं, तो हमें उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। इस तरीके से कुशनों के कवर रेक्टेंगल में या सर्कल में बनाने चाहिए, उनको यूज़ में ले सकते हैं। फोनों को सही से निकाल दें ज़रा। और इसमें अभी ऊन से ना मैं चारों तरफ टस्सल भी लगा दूंगी, जिसको फुंदने भी बोलते हैं, फुम्मन भी बोलते हैं पंजाबी में। और ये देखिए अब इसके ऊपर ना कवर एक और चढ़ाऊंगी, क्योंकि ये नज़र आ रहा है ना इसके अंदर से, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। या तो प्लेन वाइट हो जाएगा या फिर कोई और कलर, या इसी के साथ का कोई मटमैला सा कलर होगा। और ये धागा है, ये ऊन नहीं है, मोटी सी डोरी थी मेरे पास। ये देखिए अभी इसको भी मुंह सिल लूंगी ना इसका, यहाँ से तो बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट ये कुशन बन जाएगा। यहाँ से इसका मुंह सिल दूंगी। देखिए ये इस तरीके से कितना अच्छा कुशन जो है अंदर रेडी हो गया। और अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं है, मैं आपको इसको डेकोरेट करके भी दिखाऊंगी। देखिए और मुझे ना इस तरीके की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मैंने ऑनलाइन खूब देखी, सर्च भी की, और काफ़ी महंगी महंगी मिल रहे हैं, और क्रोशिये से ही बनी हुई हैं अधिकतर। आप ऐसे स्वेटरों को जिससे कटिंग करके उनको सिल के इस तरीके से बना सकते हैं, वी शेप में, यू शेप में, अपने घर पर ही बना सकते हैं ऑनलाइन। और वैसे मार्केट में लेने जाओ मॉल वगैरह में तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं ये चीज़ें। मैंने ना मॉल से लिया था वो वाला कुशन रेक्टेंगल वाला, उसमें सीक्वेंस वर्क हो रखा है, बीड्स वगैरह लगे हुए हैं। तो देखिए ये प्यारा लग रहा है ना। अभी मैं आपको ना कुछ इसके ऊपर करके भी दिखाती हूँ, अभी मार्केट जाना पड़ेगा उसके लिए मुझे, क्योंकि घर में मेरे पास कुछ है नहीं है। अगर सस्ते में जुगाड़ हो जाता तो मैं देख कर आती हूँ, अभी आपके साथ शेयर करूँगी इसके ऊपर क्या किया जाए। और आप अपना आइडिया भी दीजिएगा कि मैं एक और बनाऊँगी फिर इस तरीके का, तो उसमें क्या क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से करना चाहिए। तो चलिए अभी शेयर करूँगी आपके साथ, अभी मार्केट होकर आती हूँ पहले। देखिए इस तरीके का टस्सल मैंने बना लिए हैं कुशन के ऊपर लगाने के लिए, और तो मुझे कुछ समझ आया नहीं। और देखिए अभी इनके ऊपर लगाए नहीं है, सिर्फ रख के देख रही थी मैं, एक या दो रह गए हैं। तो अभी आपको बनाना भी बताती हूँ कि कैसे बनाना है। हाथ के ऊपर इसको लपेटना है। देखिए टसल बनाने के लिए इस तरीके से वाइट धागा है ना, ऊन है ये, और इस तरीके से हाथ पर लपेटना। मैंने 50 बार लपेटा इसको, गिन के सारे टसल मैंने ऐसे ही बनाए हैं, और 50 बार लपेट कर
ऊपर से बांध लेना है, फिर आपको दिखाती हूँ। 50 बार पहले लपेट लेती हूँ इसको। देखिए 50 बार मैंने लपेट लिया, इसको मैं कट कर लूँगी। और एक एक्स्ट्रा धागा लेंगे हम, ज़्यादा लंबा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं, और इसके बीच में से निकाल लेंगे हाथ में से अपने, जैसे यहाँ से, और उनको उसके ऊपर उतार लेंगे इस तरीके से। देखिए इसको कस के बांध दूँगी मैं, धागे को बराबर कर लेंगे इसको, दो गिट्ठा लगा लेंगे मजबूती से। ये देखिए ये पकड़ने के लिए ऊपर से बन जाएगा। और इसी तरह एक धागा और काटेंगे, मीडियम साइज का ही लेना है, ज़्यादा लंबा भी नहीं और ज़्यादा बड़ा छोटा भी नहीं। और जो ये बांधे थे ना, इनको तो पीछे ही रहना रख देना। और इस तरीके से देखिए अच्छे से फिनिशिंग देके इस तरीके से पकड़ेंगे हम इसे, और इसको अच्छे से यहाँ पे गोलाई में कस के बांध देंगे। ये ऊपर जो बॉल सी बन जाती है, जो यही टसल की खूबसूरती इसी से होती है। देखिए इसको अच्छे से कस के लपेटना है, बिल्कुल ही लेना। ये टसल बनाना बहुत आसान है, कई तरीके से बनते हैं। वैसे तो गत्ते पर भी आप लपेट सकते हैं, पर गिनती तो हमें गिननी पड़ती है, क्योंकि फिर ये एक बराबर बनते हैं। अगर हम गिनती गिन कर नहीं बनाएंगे ना, तो बराबर नहीं बनेंगे, तो छोटे बड़े हो जाएंगे। तो भी आप बताइएगा कि ये टस्सल वाला कुशन कैसा लगेगा। अभी मैं आपको लगा कर ही दिखाऊंगी इसके ऊपर, अभी तो सिर्फ मैंने बनाए हैं, काफ़ी देर हो गई मुझे। आपको पता है हर चीज़ को बनाने में समय लगता है। और देखिए ये इस तरीके से हो गया ना, और अब इसको सेंटर से हम नीचे से इधर से काट देंगे बराबर करके। ये देखिए इस तरीके से कट कर देंगे, और पकड़ कर ना इस तरीके से हाथ में पकड़ कर जो बड़े छोटे हैं उनको काट देंगे और बराबर कर लेंगे। बिल्कुल तो कस्सल बन जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा कस्सल बनता है। अच्छे से देखिए कस्सल बनकर बिल्कुल रेडी है। आपको बड़ा बनाना है तो आप बड़ा जैसे गत्ता ले सकते हैं, उसके पर लंबे लंबे टसल बन जाते हैं। और अब इक्वल नहीं हुआ, देखिए इक्वल करके आपको दिखाती हूँ और लगा कर दिखाती हूँ कुशन के ऊपर। देखिए कुशन बनकर बिल्कुल रेडी है, आप बताइएगा कैसा बना है। और ये वाले सारे मैंने टसल जो है इस पर सिल दिए हैं ऊपर से किनारे से, यहाँ से देखिए, और जो ऊपर की धागा था वो काट दिया है। इस तरीके से लग रहा है ये, आप बताइएगा कैसा लगा है। और मैंने ऑनलाइन बिल्कुल सेम ऐसा देखा था, तो बहुत महंगा मिल रहा था। देखिए मैंने अपने आप बना लिया ये, आप भी ट्राई करके देखिएगा। और अगर आपको मेरे ये क्वेश्चन का कवर जो है और क्वेश्चन जो अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट से मेरा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों, बाय।